नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद उन्नाव थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत मगरवारा चौकी निकट मार्ग दुर्घटना में दो युवकों की हुई मौत। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। पीएम करवाने के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने उन्नाव कानपुर मुख्य मार्ग पर शव रखकर किया रोड जाम। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर किया हमला। कई पुलिसकर्मी हुए घायल। उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज़। कोतवाली थाना क्षेत्र के मगरवारा पुलिस चौकी के पास एक मार्ग दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद FIR दर्ज करके PM कराया गया। आज पोस्टमार्टम के बाद कुछ अराजक तत्वों द्वारा डेड बॉडी को सड़क पर रख करके यातायात बाधित कर दिया गया। जो उन्नाव और कानपुर के बीच में मुख्य मार्ग है उसको बाधित किया गया, शुक्लागंज होते हुए जो कानपुर जाता है। और इसके बाद पुलिस ने यहाँ पर रास्ता खुलवाने का प्रयास किया तो उनके ऊपर हमला भी किया गया, पथराव किया गया। इसमें कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें FIR दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके ऊपर जो नुकसान हुआ उसका जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। पीड़ित परिवार क्या मांग कर रहा था? पीड़ित परिवार आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहा था। आर्थिक मुआवजे के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया था। SDM मौके पर मौजूद थे, कल भी मौजूद थे। उनको आश्वासन दिया गया था कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है उसके अंतर्गत उनको पूरी से पूरी मदद की जाएगी। पुलिस के कितने जवान इसमें? अभी हम पुलिस के जवानों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अब तक 15 आसपास जवानों के घायल होने की सूचना है। उनका मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल कराए जाने के बाद जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगी उसके अनुसार यथानुसार कार्रवाई की जाएगी।